अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयद मोहम्मद व अला आले सैयद मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टैंग पॉपसिकल बनाने जा रहे हैं। तो जी हम आधा ग्लास जो है वो पानी का शामिल करेंगे। आधा ग्लास ही आप शामिल कीजिएगा, पानी से ज़्यादा नहीं करना। चूँकि मेरे पास टैंग के दो फ्लेवर हैं, इसलिए मैं एक एक ग्लास में एक एक फ़्लेवर को ऐड करूँगा। मेरे पास है टैंग पाइनएप्पल और टैंग ऑरेंज, तो इनको दोनों को काट के मैं एक एक ग्लास में शामिल कर लेता हूँ। जी टैंग ऑरेंज मैंने एक ग्लास में शामिल कर लिया है और दूसरे में मैं टैंग पाइनएप्पल वाला शामिल कर लूँगा। आप ये ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को बना के दें। और क्रश की हुई चीनी दो दो टेबलस्पून उसको शामिल करें, इससे मीठा बहुत ज़्यादा आता है। बच्चों को मीठा ज़्यादा पसंद है। और इन सब को मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करते हैं, ऑरेंज और पाइनएप्पल फ्लेवर। घर में ये 10 रुपये में बन जाता है, घर के अवेलेबल चीज़ों से। सिर्फ आपको टैंग को बाज़ार से ख़रीदना है। अब मैंने पॉपसिकल के मोल्ड बाज़ार से ख़रीदे हैं। अगर आपके पास नहीं तो आप घर वाले ग्लासों में भी इसको जमा सकते हैं। अब मैं दो में शामिल करूँगा ऑरेंज पॉपसिकल, तीन में। और बाकी दो में जो है मैं पाइनएप्पल पॉपसिकल मोल्ड में शामिल कर लूँगा। क्वांटिटी यही रखिएगा। अब इसको हम ढक्कन लगाते हैं और 12 घंटे के लिए ढक्कन लगाकर फ्रीज़र में जमाएंगे, जब तक कि ये जम ना जाए। 12 घंटे के बाद आपको ये निकाल कर दिखाएंगे कि ये कैसे मिलते हैं। मेरी पहली भी रेसिपी हैं, अगर आपको वो नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आई बटन में। तो 12 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। जी माशाल्लाह हमारी मैंगो कुल्फ़ी और पाइनएप्पल कुल्फ़ी पॉपसिकल जम चुके हैं। आप फाहद भाई मैंगो कुल्फ़ी खा कर दिखाएँगे और दायमा जो है वो पाइनएप्पल कुल्फ़ी खा के दिखाएंगी। कैसी लगी? बहुत अच्छी। माशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो जो पसंद है। अगर पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।